तो हम बात करते हैं हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज, तो मैं बात करता हूं। तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे, मीरा टेक की, कॉलकम, एम आई, सैमसंग, एसपीडी, ठीक है, वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है और थ्री यू टूल होता है। आईट्यून और थ्री यू टूल। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ सर। अब भाई ये बताइए, अब आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए अब मैं करता हूँ, इन्होंने बताया सैमसंग की मोड दो मोड से हम एफआरपी हटा सकते हैं। कितने मोड एफआरपी हटा सकते हैं? कौन कौन से? तो डाउनलोड मोड से तो नॉर्मल हम हटा ही सकते हैं। अब हमारा एडीबी हटाने के लिए, अब दूसरा मोड किस मोड से हटाएंगे? सर एडीबी मोड से। तो एडीबी क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सैमसंग का फोन एफआरपी पे आया है, क्या उसका नॉर्मल तरीके से एडीबी ऑन हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं, अगर उसके लिए एडीबी इनेबल करने के लिए क्या करना है सर? उसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश, कॉम्बिनेशन फ्लैश फ्लैश करना। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि पहले आप पहले काम करते थे? अब आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। मतलब आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैंने सॉफ्टवेयर शुरू होने से पहले एक चीज बोली थी, सब किसकी किसकी बज रही है, किसकी नहीं बज रही है? सबकी बज रही है कि नहीं बज रही है? मेरे को लग रहा है नहीं बज रही है, ऐसे ही दो तीन हाथ नहीं उठ रहा है। मतलब सबकी बज रही है, कर लेंगे। मीडिया टेक की फ्लैशिंग किस मोड में होती है? फ्लैश मोड से। तो मीडिया टेक की फ्लैशिंग सभी कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? फाइल तो कॉलकम में कौन सी फाइल आती है? firehouse.mbn। वेरी गुड। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? उसका टूल्स जानना होता है। टूल तो कॉलकम में कौन सा टूल यूज होता है? क्यूपीएसटी आता है, क्यूफिल भी आता है। वेरी गुड। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट टूल होता है क्यूपीएसटी या तो क्यूफिल। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोड। मोड तो कौन से मोड में फ्लैश होता है कॉलकम? ईडीएल मोड में होता है। वेरी गुड। अब हमारा ये बात करते हैं कि कॉलकम का ईडीएल मोड कैसे कैसे आ सकता है? ईडीएल मोड है प्लस माइनस। पहला तो हमारा है कौन सा में कौन सा टूल यूज होता है? कितने टूल यूज होते हैं? तीन टूल यूज होते हैं। पहला बता दो, दूसरा आप बताओ, अपग्रेडेड टूल, चौथा बताओ। चलिए मैं आप नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद अब क्या करना होता है, आप बताओ। मोड सर। मोड तो स्पेक्ट्रम किस मोड में फ्लैश होता है? कौन से मोड में? फ्लैश मोड में। फ्लैश मोड तो फ्लैश मोड क्या क्या होता है ये बता दो। फ्लैश मोड में लाने के लिए वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एक साथ, नहीं तो भी वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन या तो दोनों या तो कुछ नहीं। इंडिया का नंबर वन स्वीट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम, मैं दुर्गेश कुमार सोनी और ये हमारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के 28 नवंबर की बैच चल रही है यहाँ पे। तो हार्डवेयर की सेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको बता दूं ये हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है और हमारे सबसे पहले सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है। तो सॉफ्टवेयर हम पूछना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार। कौन कौन सी? सीपीयू वाइज और फाइल वाइज। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में कितने काम आते हैं? दो काम। कौन कौन से? फ्लैशिंग और एफआरपी। फ्लैशिंग और एफआरपी। मैं आपको फिर से बता दूं, रिमाइंड कर दूं कि सॉफ्टवेयर में केवल दो ही कॉन्सेप्ट होता है, एक हमारा फ्लैशिंग और दूसरा एफआरपी। ठीक है, अब हमारा केवल दो ही कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? सबसे पहले सर सीपीयू जानना होता है, क्योंकि हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, एफआरपी हटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? सीपीयू जानना है। तो पहले अपना नाम बता दो और कहां से आप? सर मैं शेख तौफीक और महाराष्ट्र से हूं। महाराष्ट्र से हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले एक मोबाइल आपका कॉन्सेप्ट आया फ्लैशिंग या एफआरपी, कुछ भी कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले हमें क्या जानना है? सर उसका सबसे पहले सीपीयू जानना। तो सीपीयू जानने के कितने तरीके हैं? सर सीपीयू जानने के चार तरीके होते हैं। कौन कौन से? सर पहला नंबर है मॉडल नंबर सीपीयू टाइप, गूगल में टाइप करेंगे। दूसरा सर, दूसरा हम गूगल में टाइप करेंगे मॉडल नंबर जीएसएम अरीना। वेरी गुड। तीसरा? तीसरा हम सर मॉडल पोर्ट बनाएंगे। सर पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट कब बनाएगा? हमारे पास ड्राइवर जब इंस्टॉल होगा, जब हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी में जब वो ड्राइवर इंस्टॉल होगा। फिर चौथा? सर फ्लैश फाइल। फाइल और टूल। फाइल और टूल, क्योंकि हम फाइल से भी पहचान सकते हैं और टूल से भी पहचान सकते हैं। पहचान सकते नहीं पहचान सकते? और पांचवा तरीका मैं बता दूं आप लोग, मतलब उन लोगों के लिए है जो इन चारों में से ना मिले आपको, वो आपको पता है ना? ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है?
सर दूसरा हमारा सर फाइल फ्लैश टूल को सर एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल को, कॉन्सेप्ट हमारा सर ड्राइवर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? ड्राइवर होगा सर। ड्राइवर होता है, तो कौन से ड्राइवर होते हैं मीडियाटेक में? सर बीकॉम प्रीलिम्स। क्योंकि पहले दिन की क्लास हमने टूल की, दूसरे दिन की क्लास हमारे मीडियाटेक हुआ, तो मीडियाटेक जानने के लिए सबसे पहले हमें सीपीयू जानना होता है। क्या जानना होता है? तो ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा सीपीयू, दूसरा कॉन्सेप्ट था ड्राइवर, तो कौन से ड्राइवर होते हैं? सर बीकॉम प्रीलोडर ड्राइवर, बीकॉम प्रीलोडर यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट सर हमारा फ्लैश फाइल होगा। फ्लैश फाइल, तो उसमें मीडियाटेक की कौन सी फाइल आएगी? सर स्कैटर फाइल होगी। स्कैटर फाइल आएगी। चौथा सर हमारा टूल होगा। टूल, तो मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होगा? सर एसटी फ्लैश टूल। चलिए ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मीडियाटेक की फ्लैशिंग किस मोड में होती है? फ्लैश मोड से। तो मीडियाटेक की फ्लैशिंग सभी कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? चलिए, तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है जो भी है। मीडियाटेक की क्लास हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास हमारी हुई है क्वालकॉम की। अब हमारी दूसरे दिन की क्लास हुई थी, तीसरे दिन की मैं बता दूं क्वालकॉम की क्लास हुई थी। तो क्वालकॉम को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? पहले हम सीपीयू टाइप जानेंगे। तो हमें सीपीयू टाइप, जो कि हमने सेक ने बता दिया था कि कैसे हमने सीपीयू को जानते हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कोई भी फोन आएगा तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? सीपीयू जानना होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? ड्राइवर। तो ड्राइवर, तो हम क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? वेरी गुड। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? फाइल का होता है। फाइल, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? firehouse.mbn। वेरी गुड। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर उसका टूल्स जानना होता है। टूल, तो क्वालकॉम में कौन सा टूल यूज होता है? क्यूपीएसटी आता है, क्यूफिल भी आता है। वेरी गुड। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट टूल होता है क्यूपीएसटी या तो क्यूफिल। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोड। मोड, तो कौन से मोड में फ्लैश होता है क्वालकॉम? ईडीएल मोड में होता है। वेरी गुड। अब हमारा ये बात करते हैं कि क्वालकॉम का ईडीएल मोड कैसे कैसे आ सकता है? ईडीएल मोड है प्लस माइनस। पहला तो हमारा है कौन सा? दूसरा ईडीएल टेस्ट पॉइंट। ईडीएल टेस्ट पॉइंट, ईडीएल टेस्ट पॉइंट। तीसरा ईडीएल केबल। तीसरा ईडीएल केबल। चौथा ईडीएल जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट दिन की क्लास थी एम आई, हमारी नेक्स्ट एम आई की क्लास हुई थी। तो एम आई का सबसे पहले हमने सीपीयू जान लिया। तो एम आई में कितने सीपीयू आते हैं? दो प्रकार के सर। कौन कौन से? मीडियाटेक और क्वालकॉम। दूसरा कॉन्सेप्ट? ड्राइवर सर। ड्राइवर, तो क्या मीडियाटेक और क्वालकॉम लिए कुछ अलग से ड्राइवर चलाने के एम आई के लिए? चलिए, वेरी गुड। अब हमारा दूसरा तीसरा सर फाइल होती है। फाइल, कौन सी फाइल आती है एम आई में? डॉट टीजी है, वो एक इमेजेस फाइल होती है। वो एक इमेज फाइल होती है। एम आई में क्या होती है? वो एक इमेज फाइल होती है। अब टूल, टूल, तो एम आई में कौन सा टूल यूज होता है? एम आई फ्लैश टूल। कौन सा टूल यूज होता है? अब नेक्स्ट मोड, तो एम आई किस मोड में फ्लैश होता है? एम आई ईडीएल मोड में फ्लैश होता है। तो मैं बता दूं, ईडीएल मोड में होता है, पर प्लस उसके लिए मतलब क्या एग्जिट होगा? टेस्ट पॉइंट। एम आई के जितने फोन है वो किस कैसे होंगे? ईडीएल टेस्ट पॉइंट से। तो जो आपको सारा बताया गया है, इसमें मैं बता दूं एम आई में एक चीज और जुड़ जाती है एफआरपी के अलावा, एम आई अकाउंट। क्या और जुड़ जाती है? तो सभी लोग एम आई अकाउंट हटा लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी सैमसंग की। चलिए, हमारी नेक्स्ट क्लास सैमसंग की थी, जो कि हमने बताया आपको सैमसंग की क्लास। तो आप बताइए, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? सीपीयू। सैमसंग, तो सैमसंग में पहला कॉन्सेप्ट हमारा सीपीयू का क्या हो गया? सैमसंग। तो सैमसंग में नेक्स्ट ड्राइवर, तो कौन से ड्राइवर यूज होते हैं सैमसंग में? सैमसंग यूज ड्राइवर। अब नेक्स्ट आप बताओ फाइल, तो सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? डॉटर। नेक्स्ट आप बताओ टूल, तो सैमसंग में कौन से टूल यूज होते हैं? ओडिन, तो ओडिन टूल यूज होता है। नेक्स्ट मोड, तो सैमसंग में कौन से मोड में फ्लैश होता है? दोनों एक ही होता है, डाउनलोड मोड और ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अब सैमसंग का क्लॉस, सैमसंग में कॉन्सेप्ट, हमने फ्लैशिंग की बात की। सैमसंग में मैं एक चीज बता दूं आपको, कि सैमसंग को आप फ्लैश कर देंगे तो उसकी एफआरपी नहीं जाएगी। उसको एफआरपी हटाने के लिए दो क्या होते हैं, अभी हम बात करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं सैमसंग की फ्लैशिंग की। हमने बात की सारा कॉन्सेप्ट। अब हम सैमसंग में, मैं पहले ही बता दिया आपको कि सैमसंग की अगर आप फ्लैश करेंगे तो एफआरपी नहीं जाएगी। सैमसंग में हम बात करते हैं कि अगर आपका एफआरपी, सैमसंग एफआरपी, तो सैमसंग एफआरपी कितने मोड से हटती है? कौन कौन सी? डाउनलोड मोड, एडीबी मोड। चलिए मैं इनसे पूछता हूँ कि डाउनलोड मोड तो हम कहते हैं नॉर्मल, तो डाउनलोड मोड तो हमारा हट ही जाएगा। कितने डाउनलोड मोड हमारा नॉर्मल? तो मैं बात करता हूँ, इन्होंने बताया सैमसंग की मोड दो मोड से हम एफआरपी हटा सकते हैं। कितने मोड एफआरपी हटा सकते हैं? कौन कौन से? तो डाउनलोड मोड से तो नॉर्मल हम हटा ही सकते हैं। अब हमारा एडीबी हटाने के लिए, अब दूसरा मोड किस मोड से हटाएंगे? तो एडीबी, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सैमसंग का फोन एफआरपी पे आया है, क्या उसका नॉर्मल तरीके से एडीबी ऑन हो जाएगा क्या?
नहीं, अगर उसके लिए एडीबी इनेबल करने के लिए क्या करना है सर? उसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि पहले आप पहले काम करते थे? अब आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। मतलब आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैंने सॉफ्टवेयर शुरू होने से पहले एक चीज बोली थी, सब किसकी किसकी बज रही है, किसकी नहीं बज रही है? सबकी बज रही है कि नहीं बज रही है? मेरे को लग रहा है नहीं बज रही है, ऐसे ही दो तीन हाथ नहीं उठ रहा है। मतलब सबकी बज रही है, कर लेंगे। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी एसपीडी की, स्पेक्ट्रम की क्लास हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम की क्लास हुई थी। तो स्पेक्ट्रम की क्लास में आप बताइए सबसे पहले क्या जानना होता है? सीपीयू जानना। तो सीपीयू जानने के लिए कितने तरीके, एक बार आप फिर से बता दो। चार तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक सीपीयू टाइप होती है, उसमें टाइप करना पड़ता है। क्या टाइप करना होता है? मॉडल नंबर के हिसाब से। मॉडल नंबर सीपीयू टाइप, मॉडल नंबर सीपीयू। दूसरा? और जीएसएम अरेना। मॉडल नंबर जीएसएम अरेना। क्या मॉडल नंबर? तीसरा? और ड्राइवर के साथ। ड्राइवर एसी, मतलब पोर्ट बना के। तो हमारा जो भी पोर्ट बनाएगा। चौथा? फाइल। फाइल। तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है सीपीयू जाना। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? अब करते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या होता है? दूसरा? ड्राइवर। तो स्पेक्ट्रम में कौन से ड्राइवर होते हैं? एससीआई ड्राइवर। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेक्स्ट क्या है? फाइल। कौन सी स्पेक्ट्रम में कौन सी फाइल यूज होती है? पैक फाइल। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, इसमें टूल्स आता है? टूल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम में कौन सा टूल यूज होता है? कितने टूल यूज होते हैं? तीन टूल यूज होते हैं। पहला आप बता दो, दूसरा आप बताओ सर, अपग्रेडेड टूल। चौथा बताओ। चलिए, मैं आप नेक्स्ट पूछना चाहता हूं कि इसके बाद अब क्या करना होता है, आप बताओ। मोड सर। मोड। तो स्पेक्ट्रम किस मोड में फ्लैश होता है? कौन से मोड में? फ्लैश मोड में। फ्लैश मोड। तो फ्लैश मोड क्या क्या होता है ये बता दो। फ्लैश मोड में लाने के लिए वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एक साथ, नहीं तो भी वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, या तो दोनों, या तो डायरेक्ट इंसर्ट केबल। चलिए ठीक है। अगर आप एक छोटी सी बात और बता दो कि अगर आप फ्लैश किए तो उसकी फारपी जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाएगी। आप जा भी सकती है और आप बचा भी सकते हैं और नहीं। बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? वो आपको पता है ना कि किस टूल से हम बचा सकते हैं, किस टूल से? अगर दोनों मिरर आए तो क्या टूल यूज करना है? सारा चीज क्लियर है ना? चलिए, अब हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी आईफोन की। तो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट हमारी क्लास हुई थी आईफोन की, भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, आईफोन में कितने टूल यूज होते हैं? दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है या थ्री यू टूल होता है। आईट्यून और थ्री यू। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ सर। आप भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने इसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए, अब मैं आप पूछना चाहता हूँ नेक्स्ट स्टूडेंट से अपने कि आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ से फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं? IPSW गूगल में क्या टाइप करेंगे? दूसरा सोर्सेस? टूल से, मतलब या तो थ्री यू टूल या तो आईटून। ठीक है, वेरी गुड। या तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज। तो मैं बात करता हूँ, तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे? मीरा टेकी? यस सर। कॉलकॉम? यस सर। एमआई? यस सर। सैमसंग? यस सर। एसपीडी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब बचा है केवल आपका, आज से क्लास होगी, स्टार्ट होगी फाइल वाइज होगी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब बची है केवल फाइल वाइज। तो मैं फाइल का डिटेल दे दूं थोड़ा सा कि फाइल आज हमने पढ़ानी है, विंडो बैच क्या होता है, सीवीपी फाइल क्या होती है, ओप्पो का अगर ऑनलाइन हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे, ऑफलाइन हुआ तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो मैं इतना बता दूं आपको, अगर आपको और भी कुछ जानना है तो थोड़ा सा रिव्यू, उनसे पर्सनल रिव्यू लेते हैं कि आप फ्रेशर हैं कि बिल्कुल नए हैं? बिल्कुल फ्रेशर है। अब आपको सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मतलब आप क्या फील हो रहा है कि आपने सही चूज किया इंस्टीट्यूट की? सर बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर कर लेंगे? जितनी भी फ्लैशिंग के कॉन्सेप्ट है, कितने कॉन्सेप्ट? दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं? यस सर, एफआरपी और फ्लैशिंग। ठीक है, तो आप सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट से जुड़ना है, और भी कुछ आपको जानना है तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। बट एक चीज जो है, आवाज तो जानी चाहिए, या तो दिल से जो भी निकले आप बोल सकते हैं। तो इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? आवाज नहीं आ रही है, लगता है केवल एक ही बिल्डिंग में आ रही है। तो मतलब लगता नहीं कि आपने कुछ सीखा है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो बहुत बड़े
बड़े बड़े शहर है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, फिर हमको क्यों चुना आपने? नहीं, मैंने दिल्ली भी पता किया और ऑनलाइन भी पता किया, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना और डिटेल में जब पता किया तो आपके बारे में बढ़ाई के अलावा मैंने कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपको हमारे जो रिव्यू मिले वो अच्छे मिले? हाँ, अच्छे मिले, क्योंकि झूठ बोलेगा एक बंदा बोलेगा, हर कोई झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे झूठ, यहाँ तो झूठ बोल सकता है लेकिन घर पहुँचने के बाद भी तो कुछ बोल सकता है। तो मैंने सारी सच्चाई पता की तो दिल्ली नजदीक था। ट्रिक ये है कि जो यहाँ आकर नहीं सीख पाया वो कहीं नहीं सीख पाया। अच्छा, बस यही। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए इसे दिल्ली को? क्योंकि सर यहाँ जो जो ट्रिक दी जाती है वो, मतलब जैसे नहीं कहते हैं किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको तो दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उसको पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब ये दिल से बोल रहे हैं क्या? सर मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं है। काम कर सकते हो, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं, पेस्टेड वाला भी। जी सर बिल्कुल, अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा, ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है। हाँ सर, पेस्टेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी अच्छा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर आने के पहले जो एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवाई थी, तो वो एडवांस बुकिंग में इनको डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ पर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। अभी डाउट कैसा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? यहाँ पे मेरे साथ में दूसरी क्लास चल रही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, उसमें कितने स्टूडेंट है करीब? तकरीबन कितने हैं? 40। कितने स्टूडेंट हैं सर? 40। 40 स्टूडेंट हैं। आप एक बार करें, आप मुझे एक बार बताओ कि आप उनसे मिलते भी हो क्योंकि एक ही हॉस्टल में रहते हो? सर आप लोग ने आते साथ ही उनसे पूछा होगा क्या फीडबैक रहा उन 40? सर फीडबैक एक नंबर का था सर, कि मतलब बता रहे थे कि सर पढ़ाने का जो तौर तरीका है सर एक नंबर का, मतलब बताते हैं जो हमारे दिमाग में ना फीड हो जाता है सर, उसमें मत कोई भी डाउट नहीं रहता कि अब इसको दोबारा बताने की जरूरत है और उसके बाद अगले दिन हम उस पर काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपसे ईएमसी वालों से पूछ रहा हूँ अपने हार्डवेयर वालों का फीडबैक, जो कि बहुत एक कमाल की बात है। सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल से। आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर, एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था, मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमी अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद, मुझे ऐसा लगे मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने, दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ है। सर, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में। हाँ। मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और तो आपने इजी टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता दो। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर। तो पहले दिन और अब, अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगी, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया? सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शैली वो सब अलग शुरू से, और सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, और वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आप? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो एमएनसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं, क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमएनसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना? हाँ सर, तो मेरा तो यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट
मेरे को लगा कि एमएनसी में हार्ड यही से करूँ एसएटली काम से। अच्छा तुम्हें अच्छा कब से काम कर रहे हैं सर? मेरा कॉन्फिडेंस छह साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं चार साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर। हाँ, से हाँ। लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा था। सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है सर? बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से इसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने इसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है कि नहीं पहनी है? पहनी है। ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग तो बना लेता है, अब शॉटिंग क्या होता है तो मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर इस निकाले सब कुछ और एक नहीं था इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज अब जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन दुकानदारी होगी सर। 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो सर्टिफिक बना रहा था, अच्छा नंबर बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो वो भी अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिल गया, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोले हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को सुना। तो आप सेटिस्फाई सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैंने बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सकते इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.